अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ रबाब रिजवी। आप लोग देख रहे हैं फ्यूजन कुकिंग विद शेफ रबाब रिजवी। आज हम लोग जल्दी से झटपट से कोफ्ते बनाते हैं। आए देखते हैं इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे। हम अपने कोफ्तों में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, पिसा हुआ खोपरा, 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून एक अदद अंडा, 1/2 चॉप दरमियाने साइज की 1 अदद प्याज। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 डालेंगे, बड़ी प्याज है तो 1 डालेंगे। 4 से 5 रफली चॉप हरी मिर्चें, और मेरे पास कीमा जो है वो 3 पाव था। रफली चॉप 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टेबल स्पून चॉपर में डालकर पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे चॉपर में डाल के पीस लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हम अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और फिर छोटे छोटे कोफ्ते के बॉल्स बना के अपने पैन में रख देंगे। ये हमने अपने कोफ्ते बना लिए हैं। अब हमने इसे धीमी आंच पे हल्का हल्का फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक। जब तक हमारे यहाँ कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, हम अपने कोफ्तों के सालन का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 4 प्याज को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसना है और इसे अच्छे से भूनना है। वन टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, जितना आप खाते हैं। मसाले को अच्छे से भूनेंगे हम। ये अच्छे से भून जाए हमारा मसाला, ये हमारा मसाला भुन चुका है, इस पे से तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे 1 कप, अच्छे से चलाएंगे।
ताकि हमारा दही पके ना। अब हम इसके अंदर एक गिलास पानी डालेंगे। ये जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे कोफ्ते डालेंगे। ये जो हमारे कोफ्तों का सालन है इसे हम थोड़ी देर खुले ढक्कन खोल के पकाएंगे। एक उबाल आने का इसका ढक्कन ढकेंगे। अगर ढक्कन ढक के पकाते हैं तो कोफ्ता फट जाता है, तो इस वजह से हम एक उबाल आने के बाद ढक्कन ढकेंगे और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और फिर हरा धनिया और पिसा गरम मसाला डाल के गार्निश करेंगे और डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे झटपट कोफ्तों का सालन रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।